इसलिए स्वदेशी की आदत डालो, स्वराज्य अपने आप आएगा। और ये कहा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार करती थी इस देश में, अंग्रेजों की कंपनी को भगाना था तो अंग्रेजी कंपनी का माल खरीदना बंद करो, ये समझाया उन्होंने और देश के लोगों ने समझा। उन्होंने सालों साल स्वदेशी आंदोलन चलाया इस देश में। 5-6 लोगों की मदद से तिलक ने आंदोलन शुरू किया था। 6 साल में 1,24,00,000 कार्यकर्ता उनके आंदोलन में सदस्य हुए और उस आंदोलन की ताकत इतनी बड़ी थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था हिंदू मुसलमान के आधार पर, ये स्वदेशी आंदोलन की ताकत पर बंगाल का बंटवारा रद्द कराया गया 1911 में और अंग्रेजों की पराजय हुई थी उस आंदोलन के कारण। सारे भारतवासियों ने अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद कर दिया, अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद कर दिया, अंग्रेजी चीनी खाना बंद कर दिया, अंग्रेजी ब्लेड इस्तेमाल करना बंद कर दिया, सारा देश स्वदेशी के रंग में रंग गया। फिर गांधी जी आ गए, उन्होंने इसको और तेजी से चलाया और ये देश एक दिन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया, क्योंकि अंग्रेजों का माल बिकना जब बंद हो गया तो बिजनेस खत्म हो गया, तो प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, तो वो झक थोड़ी मारते यहां रह के, वो चले गए। अब हमें फिर वही स्वदेशी आंदोलन चलाना है। क्यों? बात ऐसी है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमने चलाया था, अब 5,000 विदेशी कंपनियां फिर आ गई हैं इस देश में, उनके खिलाफ चलाना। कैसे आ गई? मैंने बताया ना, भगत सिंह थे पहले, अब मनमोहन सिंह है। भगत सिंह कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, मनमोहन सिंह कहते हैं फिर से आ जाओ, दरवाजा खुला है। तो पेप्सी कोला को बुला लिया, कोका कोला को, थम्सअप को, लिमका को, सिट्रा को, मिरिंडा को, हजारों कंपनियों को बुला लिया, गांव गांव कारखाने लगवा दिए, उनका माल बिकने लगा। अब हम वो माल खरीदने लगे तो उन कंपनियों को प्रॉफिट होने लगा, अब वो प्रॉफिट लूट कर फिर यहां से लेके जा रहे हैं और सरकार उनकी मदद कर रही है इस काम में। सरकार को थोड़ा टैक्स मिल रहा है, देश का करोड़ों रुपए लूट रहा है। और लूट कैसे रहा है? पेप्सी कोका कोला दो अमेरिकन कंपनियां हैं, मार्केट में बॉटल बेचती है सॉफ्ट ड्रिंक की, एक बॉटल 10-12 रुपए की वो बेचते हैं, उस बॉटल को मात्र 70 पैसे में बनाते हैं वो और 12 रुपए में बेचते हैं। अगर आप उनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना तो हजारों प्रतिशत में है, पानी बेचने का प्रॉफिट मार्जिन हजारों प्रतिशत। एक साल में वो 700 करोड़ बोतल बेच लेते हैं। कैसे? तेंदुलकर उनके लिए विज्ञापन करता है, आमिर खान उनके लिए विज्ञापन करता है, शाहरुख खान उनके लिए विज्ञापन करता है, सलमान खान उनके लिए, ये नाचने गाने वाले सब नचनिये गवनिये उनके लिए विज्ञापन करते हैं। और हमारे देश के मूर्ख लोगों ने इन नाचने गाने वालों को हीरो बना रखा है। इस देश के बच्चों को पूछो तुम्हारा हीरो कौन, कहते हो सन्नी देओल, आमिर खान, सलमान खान। किसी का हीरो अब भगत सिंह नहीं है, हीरोइन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ऐश्वर्य रॉय है, करिश्मा कपूर है, ऐसा चक्कर फंस गया। अब ये नाचने गाने वालों को पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपको तो मालूम है सलमान खान पैसे के लिए शर्ट उतार के डांस करता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। एक बार सलमान खान को मैंने ईमेल किया था, मैंने कहा भाई तुम बार बार ये शर्ट क्यों उतारते हो, तुमको कुछ खाज हुई है, खुजली हुई है, कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई है, क्या चक्कर क्या है, ये बार बार शर्ट उतार के डांस क्यों करते हो? तो उसने कहा पैसे मिलते हैं, कितने? 70 लाख शर्ट उतारने के। तो मैंने कहा 1 करोड़ मिलेंगे फिर। एक करोड़ में पेंट भी उतारेगा और 2 करोड़ मिल जाए फिर कुछ भी उतारेगा। ये तो नाचने गाने वाले लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अब पैसे मिलते हैं तो वो विज्ञापन करते हैं, हम लोग वो विज्ञापन देखते हैं तो फिर पेप्सी कोक पीते हैं, फिर हम पैसा अमेरिका को भेजते हैं। एक बोतल अगर हमने पेप्सी पी लिया तो 8 रुपए भारत देश का अमेरिका को दे दिया, 2 बोतल पी लिया 16 रुपए दे दिया, 3 बोतल पी लिया 24 रुपए। साल में 700 करोड़ बोतल हम पी जाते हैं, 5600 करोड़, 5600 करोड़ हम अमेरिका को दे देते हैं। जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है उस देश के लोग पेप्सी कोक पीकर 5600 करोड़ रुपए अमेरिका को देते हैं और अपने को बहुत होशियार समझते हैं। उनको पूछो भाई क्या पी रहे हो, कहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। क्या मिलाया हुआ है इसमें? मालूम नहीं, पी रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को मैं पूछता हूं कुछ मजा आता है, कहते नहीं मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, आंख में से आंसू निकलते हैं, फिर पीते क्यों? वो कहते हैं इसलिए पीते हैं, आमिर खान कहता है। आमिर खान को पूछ लो वो पीता है क्या? वो नहीं पीता। आमिर खान को एक बार मैंने पूछा था ईमेल से क्या तुम कोका कोला पीते हो, वो कहता मैं नहीं पीता क्योंकि ये पीने लायक नहीं है। मैं बोला क्यों, तो उसने कहा ये एसिडिक है। मैं पूछा किसने बताया, उसने कहा मेरे डॉक्टर ने बताया। मैं पूछा कितना एसिड है इसमें, तो उसने कहा ये नहीं मालूम आप देख लो। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया इसका एसिड चेक करो, तो पेप्सी कोला का एसिडिटी मैंने चेक किया, पीएच मीटर मैंने लाया और वो डिजिटल पीएच मीटर लाया ताकि वैल्यू एक्यूरेट आए। डिजिटल पीएच मीटर को जब पेप्सी में डाला तो पीएच वैल्यू आया 2.4, 2.4। आपको मालूम है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पीएच वैल्यू है 2.4।
जिस एसिड से आप लेटरिन साफ करते हैं ना संडास, उसका पीएच वैल्यू है 2.4 और वही पेप्सी का पीएच वैल्यू है 2.4। फिर मुझे समझ में आया कि 2.4 पीएच अगर एसिड का है जिससे हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं, वही पेप्सी कोक का है, तो पेप्सी कोक से भी टॉयलेट साफ होना चाहिए। और करके देखा, झक्का झक साफ होता। उस दिन से हम लोगों ने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग इसको पी रहे हैं, और अकेले नहीं पी रहे हैं, घर में आने वाले अतिथियों को भी पिला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं। क्यों पी रहे हैं इसको, क्या जरूरत है? ये पेप्सी कोक पी के देश को नुकसान, शरीर को नुकसान। शरीर को इतना नुकसान है, 2.4 पीएच का आप कुछ भी पिएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, कल को कैंसर होगा, मरेंगे आप। और पेप्सी कोक में जो केमिकल मिक्स करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, उनके नाम सुनो आप, उसमें मिलाते हैं मेलाथियन, जो दुनिया का सबसे खतरनाक पेस्टिसाइड है। उसमें मिलाते हैं एंडोसल्फान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस। और अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अमेरिका और यूरोप के पेप्सी की तुलना में भारत के पेप्सी में 450 गुना ज्यादा जहर है। ये हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, और वैज्ञानिक सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये पेप्सी कोक को बंद करो, ये जहर है। सरकार कहती है नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है हमारा, जहर बेचने का एग्रीमेंट है। ये समस्या है। अब इसमें लुट रहा है देश, आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं हमारे शरीर। आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, पेप्सी की बोतल में अगर दांत डाल दो ना तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ये दांत कभी डिसॉल्व नहीं होता। कोई आदमी मर जाए, मरने के बाद आप उसका अंतिम संस्कार करो, दांत कभी भी मरता नहीं। आदमी मर जाएगा, जल जाएगा, राख में बदल जाएगा, दांत सबके निकल आते। खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दो, 10 साल के बाद दांत निकल आते। वो दांत को पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो, 20-25 से दिन से एक महीने में पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इतना खतरनाक है। हम पी रहे हैं, पैसे अमेरिका को जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या करें, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वही निवेदन जो लोकमान्य तिलक ने 1905 में किया था, आजादी लानी है तो स्वदेशी अपनाओ। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी बचानी है तो स्वदेशी अपनाओ। पेप्सी कोक, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा सब बहिष्कार करो। पैसे बचेंगे देश के, आपके भी बचेंगे। फिर पीने के लिए अपने पास नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ भी पियो। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारे हिंदुस्तानी पेप्सी कोक बंद करें, उतने ही रुपए का गन्ने का रस पिए, 7,000 करोड़ रुपए किसानों की आमदनी बढ़ती है। किसान करोड़पति होते हैं जो गन्ना पैदा करते हैं। हमारी आदत बदलनी है हमको तो देश का बदल। बहुत स्मार्ट हैं हम, तो बहुत फॉरवर्ड हैं हम, तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बिना अपनी सभ्यता को समझे हुए, बिना अपनी संस्कृति को जाने हुए, दूसरों पर टिप्पणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना, यही मूर्खता है। हम तो इसी में फंसे हैं। तो जब भी ये बात खड़ी होती है ना, वो गांधी जी के सामने हो या आपके सामने, गाय कट रही है, भैंस कट रही है, तो जो भारतीयता के लोग हैं, जो पुनर्जन्म में मानते हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, भले किसी भी संप्रदाय के हैं, उनके दिल में कसक उठती है कि ये गाय क्यों कटती है। कर नहीं पाते हो वो अलग बात है, कसक तो है दिल में, और इतनी तीव्र कसक है कि आप जरा खुलकर बात कर लो तो इतना फट पड़ते हैं कि गाय बचाने के लिए मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। क्यों आता है इतना तीव्र हमें उद्वेग,